नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। दोस्तों, हम बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें आपके लिए लेके आते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे नई शिक्षा नीति के बारे में सारी जानकारी एक एक करके। साथ ही अगर आपकी कोई नई शिक्षा नीति को लेकर कमेंट हो या कोई सवाल हो, तो आप इसे यहाँ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि नई शिक्षा नीति के बारे में वो भी जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति 2020 कैबिनेट अब पास हो चुकी है, और इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है, वो अब बदल गई है, यानी उसका नाम बदल गया है। जैसे हम MHRD मंत्रालय के नाम से जान देते हैं, MHRD कह देते हैं उसको, वो अब MHRD मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम रख दिया गया है। अब MHRD मंत्रालय कुछ नहीं हुआ करेगा, शिक्षा मंत्रालय हुआ करेगा जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति के बारे में बताएं तो 1968 में नई शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद आई थी 1986 में, वो चली, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ लगी, तो थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया 92 में, लेकिन वो इतने बड़े चेंजेस नहीं थे कि उसके लिए नई शिक्षा नीति बनाई जाती। 92 में कुछ चेंज हुए, लेकिन अब फिर से एक पूरी तरह से बिल्कुल पुरानी पद्धति को बदलते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई है, 2020 में पास हुई है, जो लगभग सभी राज्यों में 2022 तक लागू हो जाएगी। NEP कहते हैं इसको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस 2020 की नई शिक्षा नीति को लागू करना अब राज्य सरकार का भी दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो 2022 तक या 2022 से इसको लागू कर सके। तो चलिए नई शिक्षा नीति के बारे में हम एक एक करके सब जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम नई शिक्षा नीति के स्ट्रक्चर को जानेंगे, जो कि है 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति का स्ट्रक्चर है, पहले ये स्ट्रक्चर था पुराना 10+2 का, 10+2 के नाम से जानते थे, यानी 10 साल और 2 साल 12 साल। पहले बच्चे को सरकार 12 साल तक पढ़ाने का दायित्व लेती थी, लेकिन वो 12 साल जन्म से लेके नहीं थे, जब उससे बच्चा स्कूल में आता था तब से लेके उसको 12 साल। लेकिन यहाँ बात आती है कि अब 10+2 एक ओल्ड फैशन था, मतलब ओल्ड पॉलिसी में था, जब उसमें 6 साल का बच्चा स्कूल में आता था और वो पहली क्लास में आता था, और फिर वो 12 साल सरकार की निगरानी में रहता था। तो 12-6-18 साल तक बच्चा सरकार की निगाह में रहता था, यानी कि सरकार की जितनी जिम्मेदारी होती थी उसी के अकॉर्डिंग RTE आएगा, राइट टू एजुकेशन, उसमें भी 14 साल तक के बच्चों को विशेष निःशुल्क शिक्षा देने की बात आई। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये पुरानी पॉलिसी को छोड़ के नई पॉलिसी के बारे में। नई पॉलिसी में देखिए डिफरेंस है, 5+3+3+4 का बनाया गया है स्टेज, और यहाँ पर पुरानी में केवल 6 से 16 साल और 16 से 18 साल दो हैं, 10+2। नई शिक्षा नीति में क्या हुआ है कि अब बच्चा 3 साल का ही विद्यालय में प्रवेश कर जाएगा, 3 साल का बच्चा अब स्कूल में पढ़ने जाया करेगा। आप समझ रहे हैं, 3 साल का बच्चा पढ़ने जाएगा तो किस में जाएगा? पहले तो 3 साल का बच्चा आंगनबाड़ी में जाता था, स्कूल में नहीं, अब स्कूल में जाएगा, क्योंकि अब आंगनबाड़ी भी एक स्कूल में बदलने जा रही हैं, जिसको आंगनबाड़ी को मिला के और पहली दूसरी क्लास को मिला के भी एक प्री प्राइमरी स्कूल बनाया जाएगा। जिस स्टेज को हम कह रहे हैं वो है फाउंडेशन स्टेज, ये 5 साल की होगी, क्योंकि 5+3+3+4 में 5 साल जो हैं वो 5 साल हैं बच्चे की, 3 से स्टार्ट होंगी, जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तब से स्टार्ट होंगी। तो 3 साल ये रहेगा प्ले ग्रुप में, जो आंगनबाड़ी है एक तरह से वो प्ले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ बच्चा खेल खेल में सारी चीज़ सीख, मतलब उसको पढ़ाई नहीं करानी है, उसको खिलाना है और स्कूल से लगाव कराना है, ताकि बच्चा स्कूल आने से डरे नहीं। पहले बच्चे डरते थे, जब नाम लिख जाता था स्कूल में तो माँ बाप उसका हाथ पकड़ के खींच के जबरदस्ती लाते थे, बच्चा रोता था, लेकिन यहाँ पर बच्चे को आदत डलवाई जाएगी, 3 साल का होते ही उसको खेलने के लिए खिलौने दिए जाएंगे, एक्टिविटी करने के लिए कहा जाएगा, यानी बच्चा प्ले ग्रुप में जैसे खेलते हैं वैसे ही यहाँ पर बच्चे इस नई शिक्षा नीति में खेला करेंगे। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग शुरुआत के 5 साल बहुत ही ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए, और इसी में बच्चे को पहले स्कूल से लगाव कराते हुए उनको प्ले ग्रुप में 3 साल के लिए डाला जाएगा। लेकिन यहाँ जो चेंज हुआ है वो ये कि 3 साल के बाद जो 2 साल अगली हैं वो क्लास फर्स्ट और सेकंड की हैं, जबकि पहले ये क्लास फर्स्ट और सेकंड प्राइमरी स्कूल में होती थी, जहाँ बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन करने के लिए भी बच्चे की एज वेज के अकॉर्डिंग भी उसका टेस्ट थोड़ा लेते थे कि भाई कितना पढ़े लिखे हो, थोड़ा कुछ आता नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है क्लास फर्स्ट और सेकेंड
भी बच्चे की इसी प्ले मेथड से ही पास कराई जाएंगी, यानी कि यहाँ पर भी बच्चा उसी तरह से खेलेगा और पढ़ेगा, कुछ सीखेगा। यहाँ पर बात आती है कि जब बच्चा 5 साल के बाद प्रीपरेटरी यानी सेकंड स्टेज में आएगा, सेकंड स्टेज प्रीपरेटरी के है जो 3 साल की है, तो जब बच्चा यहाँ पर 3 साल का होके आएगा तो क्या होगा, 3 साल का बच्चा इसका मतलब वो कक्षा 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा, ये 3 साल स्टेप होंगे उसके। लेकिन इन 3 साल के अलावा भी इस प्राइमरी या प्रीपरेटरी स्टेज में जो खास बात है वो ये कि यहाँ पर एक्टिविटी प्लस स्टडी बेस्ड पढ़ाई होगी, यानी पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की एक्टिविटी भी कराई जाएंगी, एक्टिविटी बेस्ड पूरी ये स्टडी होगी। और जो अगला पॉइंट है वो इतना ज़रूरी है कि इसके लेके काफ़ी विवाद भी हुआ था कि अब बच्चे को 5 तक क्लास 5 तक बच्चे को उसकी राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा और रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसमें पढ़ाया जा सकता है, यानी कि अगर बच्चा जिस क्षेत्र का है उसी क्षेत्र में जो उसकी मातृभाषा है उसमें पढ़ाई उसकी हो सकती है, उसको पढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र का है तो मराठी में, गुजरात का है तो गुजराती में, बांग्ला का तो बंगाली में, और जिसकी हिंदी है वो हिंदी में। मतलब बच्चे को ये दबाव नहीं होगा कि वो इंग्लिश में ही पढ़े, इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था या विकल्प है, लेकिन ऐसा नहीं है कि, लेकिन अगर गार्जियन चाहे, बच्चा चाहे तो अपनी रीजनिंग लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकता है, या मदर लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज दोनों में बच्चे की पढ़ाई होगी। नहीं, क्योंकि माना जाता है कि बच्चा 5वीं क्लास तक सबसे ज़्यादा उत्सुक रहता है, वो अपने आप को सीखने के लिए प्रेरित करता है, और उस बीच अगर उसके सामने ऐसी समस्या आती है भाषा की तो उसका पढ़ाई से ध्यान जाता है और शायद उसका उतना विकास नहीं होता है। इसलिए ये कहा गया है कि शुरुआत की जो सीखने की जो उसकी इच्छा है वो उसकी ही भाषा में उसको सिखाई जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत ज्ञान ले सके। तो यहाँ मेन पॉइंट है कि 5वीं क्लास तक अब बच्चा मातृभाषा में और राष्ट्रीय भाषा में भी सीख सकता है। चलिए इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं। ये खास पॉइंट है, ये है कि फाउंडेशन को जो पीरियड है उसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी बच्चे का 5 साल तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ना पहली क्लास में ना दूसरी क्लास में। तो जब इनका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा तो ये सीधे डायरेक्ट धीरे धीरे 1-1 साल करके दूसरी क्लास तक आ जाएंगे, लेकिन तीसरी क्लास में जैसे ही आएंगे तो इनका एग्ज़ाम होगा, यानी कि इनके एग्ज़ाम होंगे तब ये आगे बढ़ेंगे, और इनका रेगुलरली इनको चेक भी किया जाएगा कैसे इनका जो है पढ़ाई चल रही है, कितना बच्चा सीख रहा है। विद एग्ज़ाम ये 3, 4 और 5 क्लास रहेगी। तो इसमें बस ये बड़ा अंतर किया गया है कि पहली दूसरी अब एग्ज़ाम फ्री कर दिए। इन दोनों स्टेज के बाद हम जो तीसरी स्टेज के बारे में बताते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 में, वो क्या है, हमारी 5+ थी, 3+4, तो लास्ट जो थर्ड स्टेज आएगी वो भी 3 साल की होगी, उसको हम मिडिल स्टेज के नाम से जानेंगे। 3 साल की ये स्टेज होगी, यानी ये जूनियर स्कूल के लिए होगी, यानी क्लास 6 to 8 इसमें आएंगे, 6, 7, 8 इसमें पढ़ाए जाएंगे। और ख़ास बात इस पीरियड में यानी मिडिल स्टेज में ये रहेगी कि बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग से मतलब है कि बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज शुरू से दिया जाएगा। अब तक भी वैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ कोडिंग सिखाई, यानी एक यानी कि वेबसाइट बनाना, मोबाइल ऐप बनाना, ये सब चीज़ें उस बेसिक से सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चे को जब शुरुआत से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी तो आगे आने वाले समय में जहाँ कंप्यूटर बेस्ड पूरी दुनिया होगी, सॉफ्टवेयर और इनसे दुनिया चला करेगी, तो यहाँ पर कंप्यूटर कोडिंग बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो खास चेंज हुआ है कि कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। और सबसे मेन जो पॉइंट है यहाँ का ये है कि यहाँ पर तीसरे यानी 6, 7, 8 में ही बच्चे को वोकेशनल यानी टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, यानी कि बच्चा अगर चाहता है कि मैं कारपेंटर बनूँ आगे जाके, तो कारपेंट्री के बारे में उसको सिखाया जाएगा, गार्डनिंग के बारे में सिखाया जाएगा, या सिलाई वगैरह के बारे में लड़कियाँ सीखना चाहती हैं तो वो भी उनको ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा। वोकेशनल ये कि एक ऐसी चीज़ जहाँ लगता है बच्चे को कि मुझे इसमें रुचि हो, मैं ये काम और बेहतर तरीके से सीखना चाहता हूँ, तो उसको 6, 7, 8 में ही इसकी बेसिक नॉलेज दी जाएगी। वोकेशनल यानी टेक्निकल जो एजुकेशन बच्चे को 6, 7, 8 में ही दे दी जाएगी। तो बहुत अच्छा चेंज है यहाँ से बच्चे के अंदर अपने अंदर आत्मनिर्भर बनने की, या कह लीजिए कि बच्चे को कुछ ऐसा करने की जो मन उसके मन में जिज्ञासा है कि मैं ये बनूँ, तो वो उसका वो कोर्स वहाँ से कर सकता है। इसमें ही हम बताएं कि 6 से 8 तक मैथ तो होगा ही, साइंस भी होगी और साइंस के साथ आर्ट भी होगी, लेकिन खास बात यह है कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक बच्चा अपनी एक इंडियन लैंग्वेज भी चुन सकता है,
एक इंडियन लैंग्वेज, यानी कि बच्चा चाहे तो मराठी, बंगाली और जो भी राष्ट्र में पूरे देश में कोई भी भाषा बोली जाती है, इंडियन लैंग्वेज है, उसमें से अगर उसकी वो किसी भाषा को सीखना चाहता है, मैं कहूँ मैं पंजाबी सीखना चाहता हूँ, तो पंजाबी भाषा को भी ले सकता है, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज सीख सकता है बच्चा। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 6 से 8 में बच्चा एक इंडियन लैंग्वेज भी सीख सकता है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज है 4 साल का, वो उसमें सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। यहाँ सेकेंडरी स्टेज में मतलब 4 साल गुजारनी होंगी बच्चे को। ये 4 साल किस किस में होंगी हम आपको बताएं। बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्लास 9th में आएगा, 9th to 12th वो करेगा, 4 साल जहाँ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए मेन चेंज क्या है। यहाँ जो मेन चेंज ये है कि क्लास 9 और 10 तो बच्चा करता था, हमारे जो पहले पुराना टाइम था जिसमें पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसके अकॉर्डिंग बच्चा हाई स्कूल पास करने बाद उससे पूछते थे कि बेटा तुमने क्या लेना है, आर्ट साइड लेनी है, साइंस साइड लेनी है या कॉमर्स लेनी है, क्या लेना है। लेकिन यहाँ पर अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, यानी कि नो स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी 12th तक। यानी बच्चा साइंस साइड से है कि आर्ट साइड से है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बच्चे को सिर्फ वो पढ़ना है जो बच्चा पढ़ना चाहता है। बच्चा यहाँ फ्री रहेगा, मल्टीपल सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर सकता है। बच्चा चाहे तो मैथ के संग इंग्लिश ले सकता है, इंग्लिश के संग केमिस्ट्री ले सकता है, फिर चाहे तो कॉमर्स ले सकता है, ज्योग्राफी ले सकता है, कोई से भी सब्जेक्ट किसी भी टाइप से वो ले सकता है। चाहे वो साइंस आर्ट के हों, चाहे आर्ट साइंस के हों, चाहे कॉमर्स के हों, वो किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उनकी स्टडी कर सकता है क्लास 9th to 12th में। तो है ना एक बहुत बड़ा चेंजेज। अब तक ये होता था कि बच्चा साइंस आर्ट में जाता था तो बिल्कुल उसे पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़नी पड़ेगी। कभी कभी होता था कि बच्चे का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है फिजिक्स में, लेकिन उसकी केमिस्ट्री बिल्कुल ख़राब है, लेकिन फिर भी भाई उसको भी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी, जिसकी वजह से उसका केमिस्ट्री में उतना अच्छा नहीं स्कोर मिल पाता था जितना फिजिक्स में ले सकता है। तो बच्चा यहाँ वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा जिसमें वो टॉप होगा, तो वो फिजिक्स ले सकता है, फिर चाहे इंग्लिश ले सकता है, चाहे ज्योग्राफी, चाहे हिस्ट्री, चाहे अकाउंटिंग, कुछ भी ले सकता है। तो मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की छूट होगी इस सेकेंडरी स्टेज में। बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है और बहुत ही अच्छा चेंजेस हुआ है आगे बच्चे को पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आए तो यहाँ आएगी क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चा अब ऐसे ही नहीं पढ़ेगा, रटन विद्या बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी, रट के पेपर देने वाली बात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम कोई किताब खरीद लेते थे एग्जाम से पहले और उसको 2 महीने रटा ढंग से और पेपर दे के आए, वो सब खत्म हो जाएगी। बच्चे की सोच को विकास किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर लाई जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब कि वो खुद सोचे कि अगर ऐसी समस्या उसके सामने आ गई तो उसका क्या सॉल्यूशन निकालेगा, वो इसके बारे में क्या सोचेगा, क्या नहीं करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको कोई रटने के लिए कोई एक टॉपिक नहीं होगा और कई भी दो लोगों का सोच एक नहीं हो सकती है, एक जैसी नहीं हो सकती है, इसलिए उसी बेस पर स्टडी हो जाएगी। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए क्रिटिकल थिंकिंग में कि अगर देश 1947 में आज़ाद ना होके 1857 में ही आज़ाद हो जाता तो भारत में कितना विकास हो जाता, क्या बदलाव होते, आज की जनरेशन में कितनी चीज़ें चेंज होती। जो एक सोच है, ये कहीं से लिखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे के एक सामने एक ऐसी समस्या रख देना कि वो उस पर खुद चिंतन करे कि अगर ऐसा होता तो आगे क्या चेंजेज हो जाते, तो क्रिटिकल थिंकिंग इसमें दी जाएगी। तो यहाँ पर आएगा कि बच्चे के अंदर अपनी सोच समझ विकसित करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। आगे की खास बात इसमें यह है कि सेमेस्टर होंगे, इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी। लास्ट में ये वैसे बताते हैं कि लास्ट में बस 12 में एक बोर्ड के एग्ज़ाम होगा, लेकिन और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम यहाँ जो होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, 6-6 महीने बाद सेमेस्टर हुआ करेंगे। 9th में 2 पेपर होंगे, 2 टाइम पेपर होंगे, 6 महीने बाद, 6-6 महीने बाद। ये इसलिए किया गया क्योंकि पहले साल के एंड में पेपर होने की वजह से बच्चा शुरू के 6 महीने लापरवाही में निकल देते था और एग्ज़ाम से पहले ही इतना सीरियस होता था कि फिर वो एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं ओवरलोडिंग, टेंशन, डिप्रेशन में आके पढ़ाई करता था और जैसा तैसा वो रट रट आके पेपर दे के पास हो जाता था, लेकिन उसकी नॉलेज उसको नहीं हो पाती थी। अब बच्चे के अंदर एग्ज़ाम का डर बनाया जाएगा और हर 6 महीने में एग्ज़ाम होगा उसका, एक तरह से बोर्ड का सही एग्ज़ाम होगा जिसके नंबर उसको एनुअल में जुड़ेंगे, तो उसको थोड़ा ये लगेगा कि मुझे रेगुलरली शुरू से ही पढ़ाई करनी होगी। तो हर 6 महीने बाद सेमेस्टर रखने से बच्चा कंटिन्यूस पढ़ाई में जुड़ा रहेगा। ये खास चेंज था मिडिल और सेकेंडरी स्टेज में, बहुत ही अच्छे इसमें चेंजेस किए गए हैं।
और मेन चेंज जो ऊपर हमने बताया था कि सेकेंडरी में मिडिल स्टेज में 6 से 8 बच्चा इंडियन लैंग्वेज सीख सकता है, तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज में वो एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है। बच्चा चाहता है कि मैं एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, इटैली हो, लेकिन अभी इसमें यह चल रहा है कि इसमें चाइना की भाषा को ऐड नहीं किया गया है। कोई भी अगर चाइना की भाषा सीखना चाहता है तो इसमें विकल्प नहीं होगा, चाइना को छोड़कर बाकी भाषाएं फॉरेन लैंग्वेज इसमें होंगी। यहाँ ऐसा क्यों है इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज में आप कोई सी भी भाषा सीख सकते हैं। आप देखते होंगे कि ये वैसे तो डिग्री कॉलेज में होता है कि अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज का डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये व्यवस्था बच्चे को 9th से 12th क्लास में ही दे दी जाएगी कि वो बच्चा फॉरेन लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना चाहता है तो फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है। तो ये 4 मेन पॉइंट थे, 4 स्टेज थी। अब नई शिक्षा नीति में इन 4 पॉइंट के 5+3+3+4 के बाद जो हम 5वां पॉइंट बता रहे हैं वो एज को लेके नहीं है, लेकिन नई शिक्षा नीति में जो चेंज हुए उनको बता रहे हैं ग्रेजुएशन को लेके।